आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गई। मोटरसाइकिल रैली जबलपुर पहुंची, जहां पर बरेला में भव्य अगवानी होने के बाद रैली माल गोदाम चौक पहुंची, जहां अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थली पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पुलिस अधिकारियों के द्वारा रैली में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस विभाग द्वारा एकता रैली प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए जबलपुर पहुंची, जहां पर पहले बरेला में रैली की भव्य अगवानी हुई। इसके बाद रैली गौर पैंटीनाका होकर माल गोदाम पहुंची, जहां पर रैली में शामिल पुलिस कर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा भी मोटरसाइकिलों की एक रैली मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर जबलपुर आई है। अभी आज देख रहे हैं जो मंडला से आई है, और मंडला से आने के बाद जबलपुर के बॉर्डर पर इनका भव्य स्वागत हुआ है। और यहाँ पर जो भी आज़ादी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो भी आज़ादी से जुड़े हुए बिंदु हैं, वहाँ के ये दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे ये अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस इस जज्बे के साथ है। मोटरसाइकिल रैली ने टाउन हॉल पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया और सभी को एकता और अखंडता का संदेश दिया। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता के संदेश लेकर पुलिस विभाग के द्वारा जो रैली आयोजित की गई, माननीय गृहमंत्री द्वारा और श्रीमान डीजी महोदय द्वारा जो रैली का आयोजन किया गया, ये निश्चित तौर पर युवाओं में एक जोश भरेगा और वो बताएगा कि हमारे जो पूर्व कारगांधी जो इनके बारे में हम जानते नहीं भूल गए हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही, ताकि हम आगे वाली पीढ़ी को बता सकें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गई है। ये रैली मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से भ्रमण करती हुई भोपाल से निकली है और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण करती हुई वापस भोपाल पहुंचेगी। क्या उद्देश्य इसका? इस रैली का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता। इसमें कितने लोग शामिल हैं आप लोग? इसमें हम लोग 26 बाइकर्स हैं और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ हैं। और ये 22 तारीख को भोपाल से गृहमंत्री जी और आदरणीय डीजीपी सर के द्वारा इसको हरी झंडी दिखा के विदा किया गया था। वहाँ से सीहोर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी होते हुए रात्रि मंडला में रुके थे, मंडला से आज सुबह चले हैं। तो आज हम लोग कटनी नाइट हॉल्ट है, उसके बाद फिर कटनी से छतरपुर, सागर, सागर से अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ होते हुए वापस भोपाल पहुंचेंगे।